हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्लॉक फेस रूल। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है। देखिए इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। मैग्नेट मतलब मैग्नेट, यानी कि ऐसा मैग्नेट है जो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। यानी कि जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। कैसे लिखोगे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट विच हैव ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो एक मैग्नेट है जो क्या है, विच हैव ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसके बाद एक लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको क्या कर रखा है, यानी कि वैप यानी कि लपेट रखा है, किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है, तो वो क्या हो जाता है मैग्नेटाइज। कब, ओनली वैन, देखिए कब होगा ना, ओनली वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल, सिर्फ और सिर्फ तब मैग्नेटाइज होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, सोलनॉइड पढ़ा था, सोलनॉइड के अंदर क्या होता है, सोलनॉइड में एक लॉन्ग कॉइल होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है, क्लोज टर्न होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, उसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देना स्टूडेंट, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यानी आपको पता है सोलनॉइड जो है, सोलनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, उसी तरह इसके अंदर भी एक तरफ नॉर्थ पोल होगा एक तरफ साउथ पोल होगा सोलनॉइड के अंदर। अगर सोलनॉइड के अंदर इस तरह सॉफ्ट आयरन कोर रख दें आप, तो आपका जो सोलनॉइड का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉपर का वायर है, इंसुलेटेड मतलब इसके ऊपर इंसुलेशन है प्लास्टिक का, तो देख लीजिए इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर हमने क्या किया, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ इस तरह से टर्न्स दे दिए स्टूडेंट, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसा, ये है ना आपका सॉफ्ट आयरन कोर है स्टूडेंट, इमेजिन कीजिए ये सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है वैसे स्टूडेंट, एक समझ रहे हो ना, ये तो वुड का है, लकड़ी का टुकड़ा है छोटा सा, तो आपको इमेजिन करना है कि ये क्या है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है इस तरह से कर रखा है, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों वायर्स को यानी कि बैटरी से कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस टर्मिनल से, तो जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा ना, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका एक पोल नॉर्थ होगा दूसरा पोल साउथ पोल होगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप स्विच ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट इसमें जीरो हो जाएगा ना, इसका जो मैग्नेटिज्म है ना यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम से जीरो हो जाएगा। जैसे आप स्विच ऑन करोगे फिर ये जो है मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे स्विच ऑफ करते हो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है इसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है स्टूडेंट, यानी जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी गई यानी करंट जीरो तो इसका मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना, तो देखिए इस तरह से होता है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर, ये बैटरी ले लिया, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब समझ रहे हो, सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब प्योर आयरन है, वैसे आयरन जो है सॉफ्ट नहीं होता, आप कहीं सोच रहे हो सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब पता नहीं क्या होगा, तो सॉफ्ट आयरन कोर मतलब कि प्योर आयरन का जो है रोड लिया हमने, इसके ऊपर इस तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है लपेट दिया, तो आपके पास जो तैयार हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, तो ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यानी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, तो दो पोल होंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, कैसे निकालेंगे, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था क्लॉक फेस रूल से, तो सेम वैसे ही क्लॉक फेस रूल से आपको क्या करना है, देखिए ये इस तरह की अरेंजमेंट आपको इमेजिन करना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं आता। सुन लीजिए 3D की पिक्चर है, देखिए यहाँ से ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है वो ये वाला है, देखिए यहाँ से वायर ऊपर यानी करंट इसमें ऊपर की तरफ है स्टूडेंट, फिर ये इस तरह से होता हुआ इस तरह से टर्न्स, और लास्ट वाला जो वायर है ना ये वाला निकल रहा है, करंट गलत बताया हुआ, इसमें नीचे की तरफ आएगा स्टूडेंट,
करंट नीचे की तरफ। तो देखिए जो लास्ट वाला वायर है ना वो ये वाला, इसमें करंट नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, और ये वाला ये है करंट नीचे की तरफ है। तो देखिए आपको देखना तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग इस साइड से देखोगे, इस फेस से इसमें जानना है तो आप क्या करोगे, देखिए करंट इसमें ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऐसा, यानी कि करंट कैसा, ऐसा, यानी ऐसे जाके और ऐसे आ रहा है करंट इस साइड से, कैसा है ऐसा, ऐसा कैसा होता है स्टूडेंट, ऐसे होता है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब नॉर्थ पोल होता है स्टूडेंट। और इस साइड से देखना है तो क्या करोगे, इस साइड से देख लेते हैं स्टूडेंट, इस साइड से देखने के लिए आप देखो करंट इसमें क्या आ रहा है, करंट नीचे की तरफ, यानी करंट ऐसा है स्टूडेंट, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है इस वायर से, करंट ऐसा मतलब ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा पोल है, साउथ पोल है, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को, इसके मैग्नेटिज्म को। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट है स्टूडेंट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि कॉइल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स ये ज़्यादा होंगे ना उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट। तो सेकंड है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, करंट की वजह से, जैसे स्विच ऑन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, जैसे स्विच ऑफ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये इसमें जो मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से है, करंट की वजह से है, इसलिए आप जब भी करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, अगर करंट की वैल्यू कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो कि इसमें जो मैग्नेटिज्म इसका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, और करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड है द लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, यानी कि इसके जो पोल्स होते हैं ना इनके बीच में जो एयर गैप है ना, एयर गैप का मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर कम कर दोगे ना तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आप इनके दोनों के बीच के लेंथ को ज़्यादा कर दोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगा। जैसे ये दो बार मैग्नेट है, इसके दोनों पोल्स के बीच में एयर गैप यानी कि डिस्टेंस क्या, एयर गैप कम है तो ये जो है स्ट्रॉन्ग होगा, किससे, इससे, ये देखिए इसके बीच में दोनों पोल्स के बीच में एयर गैप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ये यू शेप का मैग्नेट होता है, देखिए यू शेप के अंदर देखिए दोनों जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल, दोनों के बीच में एयर गैप कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज इसका किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, क्योंकि इनका जो यू शेप मैग्नेट होता है इनका एयर गैप कम होता है, एयर गैप कम होने की वजह से अगर एयर गैप कम है तो मैग्नेटिज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में ज़्यादातर यू शेप मैग्नेट का यूज़ होता है स्टूडेंट। इसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट बातें जो आपको बतानी है स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछ लेता है कि आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो तो सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्यों करते हो स्टूडेंट, किसी और मटेरियल का यूज़ क्यों नहीं करते, तो आप बता देना इसका आंसर ये होगा कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना वो इस तरह से, अगर सॉफ्ट आयरन कोर का आपने यूज़ किया है तो इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही आप करंट ऑफ कर देते हो इसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो हो जाता है, जबकि आपने किसी दूसरे मटेरियल का यूज़ किया होता ना, जैसे स्टील का यहाँ यूज़ किया होता तो जैसे स्विच ऑन करते ना तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता, लेकिन जैसे स्विच ऑफ करते ना तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता, यानी उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो ना होता, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी रह जाती है मैग्नेट की, और वो फिर अगर प्रॉपर्टी रह जाएगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैग्नेट भी नहीं है। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे करंट को हम स्विच को ऑफ करते हैं इसकी सारी की सारी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है एकदम से लॉस हो जाती है, मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट। थैंक यू।